तो भाई फाइनली डब्ल्यू वाले का आज सब्र टूटा। आज पूरे 3 मंथ बाद हमें कुछ देखने को मिला है ब्रे वाइट के बारे में। होता क्या एग्जैक्टली, अगर आपको याद होगा तो पिछले वीक एले नाइट के ऊपर अटैक वगैरह होता है, उसका पूरा वीडियो पैकेज जो है डब्ल्यू वाले रिवील करते हैं, जहां एले नाइट को एक अजीब सा मास्क भी पहना जाता है। आई थिंक ये मास्क फिंड का जो न्यू वाला मास्क है वही, और इसे देख के आज के स्मैकडाउन के ऊपर एले नाइट को दिखाया जाता है। एले नाइट बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, उसके बाद फिंड आते हैं, ब्रे वाइट जो है वो आते हैं रिंग के अंदर। और हाँ, मुझे जो सबसे अच्छा चीज लगा स्मैकडाउन के ऊपर, इनका जो इंटरेस्ट था बहुत नॉर्मल वाला इंटरेस्ट था, सस्ता अंडरटेकर वाला इंटरेस्ट नहीं था कि 5 घंटा तक मतलब लंटेन लेकर आना रिंग के अंदर। जैसे आते हैं रिंग के अंदर ब्रे वाइट सबसे पहले ये बोलते हैं, मैं तुमको कितनी बार समझाऊं, मैं अलग हूं वो अलग है, तुमको पर बिलीव ही नहीं होगा हर बार। एले नाइट के तरफ से भी उसके बाद जवाब आता है, मुझे पता है तुम दोनों एक ही हो, बस सबको गधा बना रहे हो। उसके बाद क्या होता है, एले नाइट अटैक करना शुरू कर देते हैं ब्रे वाइट पर, फिर से डिस्प्ले के ऊपर फोटो आता है अंकल हाउडी का, उसके बाद डिस्प्ले के सामने से अंकल हाउडी आते हुए भी दिखते हैं, जिसे देखकर भाई तो सच में एले नाइट का जो यहाँ पर फट जाता है। एले नाइट सच में रिंग से बाहर भाग जाते हैं पूरा डर कर, और सामने हमें देखने को मिलते हैं अंकल हाउडी। देखिए बहुत ज्यादा तो हमें देखने को नहीं मिला अंकल हाउडी के बारे में, पर हाँ इतना कंफर्म हो चुका है ब्रे वाइट के साथ एक और बंदा है, और ब्रे वाइट के एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है अंकल हाउडी, जो कि जिंदा है। इससे पहले ब्रे वाइट के जितने भी कैरेक्टर थे रैबिट वगैरह सब कार्टून थे, कोई भी लिविंग बींग नहीं था, लेकिन ये अंकल हाउडी जो है लिविंग बींग। चलो यार, पर्सनली मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि WWE आखिर 3 से 4 मंथ के बाद कुछ तो दिखाए, मतलब WWE कोई भी स्टोरी लाइन इनको बढ़ा नहीं रही थी। वैसे मैं आपको बता दूं, एले नाइट और ब्रे वाइट के बीच में WWE वाले जो सबसे फर्स्ट जो मैच प्लान कर रहे हैं वो प्लान कर रहे हैं रॉयल रंबल के अंदर, मतलब पॉसिबली इसका बहुत ज्यादा चांसेस है कि रॉयल रंबल के अंदर आपको ब्रे वाइट और एले नाइट का आपको मैच देखने को मिलेगा। पर क्या आपको लगता है ये मैच सच में इंटरेस्टिंग होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि एक कैरेक्टर ऑलरेडी इतना ज्यादा डरा हुआ है। जैसे आप सिमिलर इसी तरह से आप ले सकते हो मिज और डेस्टर लुमिस का एग्जांपल, ऑलरेडी मिज इतना ज्यादा डरे हुए रहते हैं डेस्टर लुमिस से, तो क्या ही फाइट करेंगे। वैसे मैं आप बता दूं, आज के स्मैकडाउन के ऊपर सैमी जेन भी बाल वगैरह पूरा कटवा कर आ चुके, तो इनका ही प्रॉपर वीडियो आएगा चैनल के ऊपर, पूरा स्मैकडाउन का रिव्यू आएगा कुछ ही टाइम बाद। तो भाई बस आप लोगों को क्या करना, आपको कुछ भी नहीं करना, सारे लोग को बस चैनल के ऊपर सब्सक्राइब करना है, पूरे यूट्यूब के ऊपर सबसे पहले हिंदी रिव्यू हमारे चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सारे लोग कमेंट करो कि अंकल हाउडी के बारे में आपका क्या ख्याल है, आखिर कौन सा कैरेक्टर हो सकता है अंकल हाउडी, या फिर कुछ और अगर आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो अंकल हाउडी के बारे में, तो सारे लोग कमेंट सेक्शन में, तो मैं सबका कमेंट पढ़ता हूं। और अगर आप हमारे कल का वीडियो नहीं देखे हो तो इसके बाद वो वीडियो जरूर से देख लीजिएगा, मैं ग्रेट खली के बारे में बहुत डिटेल में बताऊं, तो सारे लोग जरूर से देखिएगा उस वीडियो को।